सहकारी समितियों के कर्मचारियों के 3 सूत्री मांगों को लेकर 6 दिनों से चल रही हड़ताल की वजह से बेमेतरा जिले के 4 ब्लॉकों के सहकारी समितियों में ताला जड़ गया है। जिले के सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों व सदस्य 3 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिले के सहकारी समिति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों ने 3 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के चलते किसानों के खेती किसानी के समय में किसान खाद बीज कर्ज नहीं ले पा रहे हैं। सहकारी समिति के प्रबंधकों ने नियमितीकरण समेत 3 मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हुए हैं। हम आपको बता दें कि बेमेतरा जिले के 4 ब्लॉक में कुल 102 समितियां हैं, जहाँ से धान खरीदी, राशन वितरण, खाद बीज ऋण वितरण का काम होता है। ये तमाम योजनाएं किसान से जुड़ी हुई है। समितियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण ये योजनाएं ठप पड़ गई है। सरकारी समितियां कर्मचारी शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का काम करती है, लेकिन दुर्भाग्य यहां ये है कि किसानों की सेवा करने वाले कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ले रहा है। हमारी पूर्व से लंबित 3 मांगे हैं, उसी मांग को लेकर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी प्रथम मांग है नियमितीकरण, दूसरा मांग है सरकारी कर्मचारी की वेतन भाती, तीसरा मांग है हमारे व्यापम ग्रुप लगाकर संविजन किया जाए हमारे समिति कर्मचारी को बैंक में। ये हमारी 3 मांगे हैं और पूर्व में भी इसी मांग के अनुसार से हम लोग पिछले वर्ष हड़ताल किए हुए थे, लेकिन सरकार ने सिर्फ जवाब दिया मौखिक रूप से, उसके बाद अभी तक ऐसी कुछ नहीं हुई है। तो हमारे लोगों को अभी वर्तमान स्थिति पर कई ऐसे सोसाइटीज हैं 6 से 8 महीने 10 महीने का तनख्वाह नहीं मिला हुआ है, तो कैसे चलेगी और हम लोग कितना दिन इंतजार करें। अब हमारी इंतजार के समय खत्म हो चुकी है और हम लोग जो होगा हम हर बार की लड़ाई के लिए तैयार खड़े हुए हैं। और अभी 1-2 दिन से बैंक जो है, बैंक भी हमारे कर्मचारी पर दबाव बना रहा है, तो हम बैंक को भी संदेश देना चाहते हैं वो हमारे साथ रहे। समिति हमारी है, बैंक की नहीं है, हम उसके सिर्फ आदेश को फॉलो करते हैं और हम जो ऋण लेते हैं उनको ब्याज देते हैं उनको, लेकिन समिति के प्रमुख कर्मचारी हम हैं। समिति हमारे द्वारा संचालित होती है और किसानों की समिति है। अगर किसान की समस्या को कहीं ये ध्यान दे, कितने समय तक लंबे नहीं जाना चाहिए था, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेकर के वाजिब जो चीज़ है उनको मान करके हमें वापस भेजना चाहिए और हम लोग तैयार बैठे हैं। जैसे उसका आदेश आएगा हम काम पे जाने के लिए तैयार हैं। क्या हड़ताल होने के बाद किसानों को अभी खाद की जरूरत में जो है दिक्कतें आ रही कहीं जाते? हम तो करेंगे किसान से, किसान हमारे साथ आए, हम उनके छोटे भाई, हम मिलकर उनके साथ काम करें, हमारे साथ आए, किसान हमारे साथ खड़े हो जाए, हम भी तो किसान पुत्र हैं। सोसाइटी में ऐसे भी समिति से इस तरह वो उसी का बेटा करता है, मैं किसान का बेटा प्रतिदिन मैं खेत करता हूँ, मुझसे निवेदन का हमारे साथ और हमारे साथ खड़ा हो, सरकार को आवाज़ लगा साथ तो उनकी बात सुनी जाए हमारे साथ साथ। जी किसान, बेशक किसानों को थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभी वर्तमान में, लेकिन किसान के बेटे हैं हम, भी चाह रहे हैं कि हमारे किसान भाई और हम सब एक साथ खड़ा हो और शासन प्रशासन को ये बात है कि हम भी जो मांग रहे हैं वो कोई गलत नहीं मांग रहे हैं, जो हमारी है, जो चीज़ हमारे हक की चीज़ है उनको मांग रहे हैं, क्योंकि अब कई समितियों में ऐसा है कि 10-10 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। तो किसान को तो चलो ठीक है, खाने की व्यवस्था की अन्य चीज़ों की व्यवस्था के लिए हमको दर दर ना पड़ रहा है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे और किसान भाइयों से भी निवेदन करेंगे कि हमारे लिए तकलीफ झेल ले, लेकिन हमारे साथ आके खड़ा हो और शासन से हमारी मांगों में समर्थते हुए हमारी ओर से हमारी मांगों को पूरा करने के लिए प्रशासन से गुहार लगा। ग्रेड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।